पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की हम बात करें, ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूह रचना से है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उनकी आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। विस्तृत अर्थ में ग्रामीण विकास की अवधारणा का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन है। भारत प्राचीन काल से गाँव का देश रहा है। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण जनता की आवश्यकताएं सीमित थी, जिनकी पूर्ति ग्रामीण उत्पादन के द्वारा पूरी हो जाती है। गांव आर्थिक दृष्टि से प्राय आत्मनिर्भर थे। ग्रामीण जनसंख्या व्यवसायिक आधार पर किसानों, दस्तकारों और सेवकों में विभाजित थी। गांव के झगड़े ग्रामीण पंचायत के द्वारा निपटा दिए जाते थे। गांव शहरों की उथल पुथल से प्राय अप्रभावित रहते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मध्यस्थता का अभाव था। यद्यपि कृषि ही मुख्य व्यवसाय था, लेकिन अन्य उद्योग भी बड़े प्रसिद्ध थे। भारत के हस्तशिल्प विख्यात यहाँ पर थे। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात एवं विकास की हम बात करें, बिगनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात महात्मा गांधी ने इस कथन से हुआ कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांव पुनर्आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास के संबंध में गांधी जी की उपयुक्त अवधारणा को स्वीकार करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उत्तम यानी कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है, लेकिन इसके बाद पंडित नेहरू ने यहाँ पर महालानोबिस के मॉडल के आधार पर औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर कृषि के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया है और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्रामीण विकास का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त किया है। सामुदायिक विकास की बात करें, सामुदायिक विकास ग्रामीण विकास प्रक्रिया का ही एक अंग माना जाता है, जिसके तहत सभी समुदायों के विकास पर बल दिया गया है, जिसके द्वारा सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का प्रारंभ किया गया है और इस अवधारणा को साकार करने के लिए सरकार यहाँ पर प्रयासरत है। पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें, भारतीय के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए अधिनियम पारित किए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार स्थानीय शासन की एक त्रिस्तरीय योजनाओं में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और मुख्य विकास कार्य पंचायत समिति को ही सौंपे गए हैं और जिला परिषद का कार्य तो पंचायती समितियों के कार्य संचालन और उनमें तालमेल स्थापित करना है। पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा 3 स्तर पर निर्मित होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाए जाने का सामान्य निर्देश दिया गया है। इन्हीं प्रावधानों में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को पंचायती राज की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट प्रदान की गई है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और कार्यों को यहाँ पर निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। ग्राम सभा की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं का विशेष महत्व माना गया है। यद्यपि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के ढांचे में ग्राम सभा का कोई स्थान नहीं दिया था, फिर भी पंचायती राज को अपनाने वाले राज्यों ने ग्राम सभा को रचना का महत्व स्वीकार किया है और इसे पंचायती राज व्यवस्था के आधार के रूप में विकसित किया है। यह माना गया है कि ग्राम स्तर पर पंचायत ग्राम सभा से ही अपने अधिकार ग्रहण करें और ग्राम सभा के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहें, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक सम्मिलित होते हैं, परंतु किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के समरूप समूह को यहाँ पर ग्राम सभा हम कह सकते हैं। ग्राम सभा का गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव और गाँवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का हो, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम पंचायत की बात करें हम, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर एक ऐसी निर्वाचित इकाई है जो ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई होती है। पंचायती राज व्यवस्था में यह निम्न स्तरीय इकाई है। भारत में ग्राम पंचायत को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में औसतन लगभग 2000 की जनसंख्या पर एक पंचायत गठित की जाती है और विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 5 से लेकर के 31 के बीच होती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में किए गए 73वें संविधान संशोधन के पश्चात देश में लगभग सभी राज्यों में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं और उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत समिति की हम बात करें,
पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। इस स्तर को राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पंचायत समिति हम कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्तमान में पंचायत समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। राजस्थान ही नहीं वरन अन्य प्रांतों में भी पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति को महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। यह विकास के कार्यक्रम बनाती है, उन्हें क्रियान्वित करती है और इसे अधिनियम के द्वारा मौलिक प्रशासनिक और वित्तीय कार्य और शक्तियां सौंपी गई हैं। जिला परिषद की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर प्रत्येक जिले का एक जिला परिषद होती है। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसे जिला परिषद भी कहते हैं। गुजरात सरकार के द्वारा पंचायत अधिनियम का 1986 तक जो संशोधित प्रारूप प्रकाशित किया गया था उसके अनुसार जिला स्तरीय इकाई को यहाँ पर जिला पंचायत का नाम दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात प्राय सभी राज्यों में इसे जिला परिषद या जिला पंचायत कहा गया है। 73वां संविधान संशोधन क्या है इसके बारे में हम बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासित संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक असहमति प्रदान की। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। 24 अप्रैल 1993 से लागू 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को कुछ प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और चुनावों से संबंधित प्रत्याभूति प्रदान की गई है। फलत अब तक इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। ग्राम सभा का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह उपलब्ध कराता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होगी जो ऐसी शक्तियों का स्वयं व्यवहार और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमंडल अधिनियम के द्वारा विनिश्चित करें। राजस्थान में वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 है। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की हम बात करें, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पंचायती राज की मध्यवर्ती एवं जिला स्तरीय इकाइयों के सभापति अध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए। इस संशोधन से यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित इकाइयों के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक को सभापति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण की बात करें हम, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण के संबंध में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से निम्न प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों और सीटों का आरक्षण किया जाएगा और इन वर्गों के लिए उपयुक्त रीति से आरक्षित की गई कुल सीटों में कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायती राज संस्था के चुनाव में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण की भी किया गया है। 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवंटन बारी बारी से किया जाता है। सभापति अध्यक्ष के लिए आरक्षण की बात करें, संविधान अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत और पंचायती राज की अन्य इकाइयों के अध्यक्ष सभापति के पद भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल अधिनियम बना करके प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेंगे। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है और अधिनियम बनाकर ये कर सकेंगे। कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल यदि वह राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती तो 5 वर्ष का होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराए जाएंगे तथा यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग कर दी जाती हैं तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव यहाँ पर कराए जाएंगे। अर्हताओं के संबंध में प्रावधान की बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह कहा गया है कि संबंधित राज्य में चुनाव की अनर्हताओं और अयोग्यताओं से संबंधित प्रवर्तक किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर व्यक्ति इन संस्थाओं के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और दायित्वों की बात करें, संविधान संशोधन अधिनियम में
कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं का स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और सत्ता दे सकेंगे। कर लगाने और कोष नियंत्रित करने की शक्तियां, 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि जो हर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे उनका राज्य सरकार और पंचायती राज इकाइयों के मध्य वितरण किया जाएगा, और जो कर पंचायती राज संस्थाएं आरोपित करेंगी उन्हें न केवल एकत्र कर सकेगी अपितु उनका व्यय भी उनके स्तर पर कर सकेगी। वित्त आयोग के गठन के प्रावधान की बात करें, संविधान संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि में और उसके पश्चात प्रति 5 वर्ष के अंतराल तक राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और संस्थाओं को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों और वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में सौंपे गए किन्हीं अन्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन यहाँ पर करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं का लेखा और अकंक्षण के संबंध में प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वित्तीय स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा रखे जाने वाले लेखे और उनके अकंक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना करके आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। चुनावों से संबंधित प्रावधान की बात करें, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह भी व्यवस्था करता है कि राज्य में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनावों में आयोजन और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समस्त पक्षों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए राज्य निर्वाचन आयोग से निहित होगा। ग्राम सभा के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा का गौण वनोत्पादों के स्वामित्व और विकासी योजनाओं विकासी योजनाओं की मंजूरी, विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन, भू अधिग्रहण के बारे में परामर्श और गौण जलाशय आदि के प्रबंध, खनिज पट्टों के नियंत्रण और नशीले पदार्थों के बिक्री के नियमन निषेध, अनुसूचित जनजातियों की भूमि के लिए अवैध हस्तांतरण को रोकने और ऐसी हस्तांतरण भूमि वापस दिलाने, गाँव की मंडियों के प्रबंध, अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण एवं सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जिला समितियों की बात करें हम, जिला समितियों का गठन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार संपूर्ण जिले की विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए जिला नियोजन समिति का गठन यहां पर किया जाएगा। पंचायतों के कार्य की बात करें, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं जिन पर पंचायती विधि और कानून बनाकर जिन कार्यों को कर सकेगी वे इस प्रकार है, जैसे कृषि जिनके अंतर्गत कृषि विस्तार भी शामिल है, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि निरीक्षण, भूमि संरक्षण। और यहाँ पर हम देखें लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं जल आच्छादन एवं अन्य कार्य यहाँ पर किए गए हैं। नई पंचायती राज व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाने की योजना है। राजस्थान में तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरी विशेषता यह भी है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। बीच में एक समय ऐसा आया जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उपेक्षित से हो गए, वर्षों तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए, जिससे जनसाधारण को इस व्यवस्था के प्रति आस्था यहाँ पर डगमगाने लगी और इसी आस्था को पुनः 73वें संविधान संशोधन ने पुनः कायम किया और तीसरी पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक शक्तियाँ प्रदान की। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार और शक्तियाँ यहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की हम बात करें, भारत में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने एवं इन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय संसद के द्वारा 1992 में पारित 1 जून 1994 से लागू नगर पालिकाएं शीर्षक से एक नया भाग जोड़ दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि 24 अप्रैल 1994 से लागू राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित करवा करके 24 अप्रैल 1994 से संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। ग्राम सभा की हम बात करें, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव और गाँव के समूह संबंधी निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति सदस्य होंगे। जनवरी 2000 में एक अध्यादेश द्वारा ग्राम सभा के स्थान बाढ़ ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। बाढ़ सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें होंगी। कार्य की बात करें, ग्राम सभा कौन कौन से कार्य करती है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता, ऐसे क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की पहचान, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं वस्तु रूप में नकद दोनों प्रकार की अभिदान जुटाना, ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना, पंचायती क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों में
एकता और सौहार्द बढ़ाना, किसी भी क्रियाकलाप योजना आय और व्यय के विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों का स्पष्टीकरण चाहना, अन्य कार्य जो यहाँ पर विहित किए जाएं। पंचायत की स्थापना की हम बात करें, राज्य सरकार किसी नगर पालिका या किसी छावनी बोर्ड में शामिल नहीं किए गए किसी गांव और गांवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाली किसी स्थानीय क्षेत्र की पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी और इस घोषित सर्किल के लिए एक पंचायत यहाँ पर होगी। पंचायत समिति की स्थापना की बात करें, राज्य सरकार एक ही जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकेगी और इस घोषित प्रत्येक खंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। जिला परिषद की स्थापना की बात करें, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसकी संरचना इस प्रकार होगी, इतने प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो कि अनुच्छेद 14(2) के अधीन अभिधारित किए जाएंगे, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें जिला परिषद क्षेत्र संपूर्णतः और अंशतः समाविष्ट होंगे। जिला परिषद क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पर होंगे। स्थानों के आरक्षण की बात करें, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था, इसी क्रम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून स्थान जिनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या में विभिन्न वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवंटित किए जाएंगे जो यहाँ पर विहित किए जाएं। अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की बात करें, यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन की बात करें, प्रत्येक पंचायती राज संस्था यदि पहले विघटित नहीं की गई दी जाए तो संबंधित संस्थाओं की प्रथम बैठक के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। किसी भी पंचायती राज संस्था का गठन करने हेतु निर्वाचन उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन की स्थिति में उनके विघटन की तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति से पूर्व करार पूर्व किया जाएगा। और अधिनियम की बात करें, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि भंग हुई संस्था का कार्यकाल निर्धारित कार्यकाल में 6 महीने से कम रह गया है तो ऐसे चुनाव कराए जाए ताकि आवश्यक नहीं होंगे। भंग किए जाने के पश्चात नई चुनी हुई पंचायती राज इकाइयाँ उस शेष अवधि के लिए कार्य करेंगी जिससे अवधि के लिए वह इकाई कार्य करेगी यदि वह भंग नहीं होती है। पंचायत सलाहकार समिति की हम बात करें, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्रशासक को सलाह देने के लिए यहाँ पर सलाहकार समिति करने का प्रावधान किया गया। अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम जारी कर एक प्रकार की समिति का गठन किया है। और यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि सचिव, ग्राम पंचायत और ग्राम सेवक को इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग की बात करें, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 में व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकेगी। दोहरी सदस्यता पर निर्बंधन की बात करें, कोई भी व्यक्ति राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम के द्वारा अभिव्यक्त और प्राधिकृत के सेवाएं 2 या 2 से अधिक पंचायती राज्य संस्थाओं का सदस्य नहीं होगा। राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश 2000 की हम बात करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में 7 जनवरी 2000 को एक अध्यादेश जारी कर अनेक संशोधन किए गए। इस अध्यादेश के माध्यम से पंचायत समितियों को अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई। इनके प्रमुख प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा की स्थापना की गई। इस दृष्टि से राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ वार्ड सभा के माध्यम से उस वार्ड में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। वार्ड सभा ही वार्ड विकास की योजनाएं बनाने और अन्य कार्य महत्वपूर्ण करवाएगी। इस सभा में वर्ष में कम से कम 2 बैठकें यहाँ पर अवश्य होंगी। वार्ड सभा की सभी बैठकों में ऐसा कोई भी विषय जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार उसके लिए अधिकृत कोई अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे रखा जा सकता है। वार्ड सभा सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाली व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायती क्षेत्र के सभी गांवों से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति सदस्य होंगे। ग्राम सभा की 1 वर्ष से कम 2 बैठकें यहां पर अवश्य होंगी। ग्राम सभा का कार्य सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं एवं कार्यक्रमों और वार्ड सभा के द्वारा अनुमोदित योजनाओं और कार्यक्रमों को पंचायत के द्वारा लागू करने के लिए हाथ में लेने से पूर्व अनुमोदन करना है। जिस वर्ग के वार्ड सरपंच जैसे अनुसूचित जाति को हटाया जाएगा उसके स्थान पर उसी वर्ग
या केवल अनुसूचित जाति का वार्ड या उपसरपंच कार्यभार ग्रहण कर सकता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वहां गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर के संस्था का कार्य चलाया जाएगा। दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। पंचायत स्तर पर स्थायी समिति और सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान है। पंचायत की ऋण राशि नहीं चुकाने वाले व्यक्ति को चुनाव के अयोग्य घोषित किया गया है। पंचायत चुनाव के लिए खर्च की गई सीमा निर्धारित की गई है। यह खर्च पोस्टर, बैनर, पर्चे आदि पर सरपंच पद के लिए 5,000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य के लिए 20,000 रुपये अधिकतम निर्धारित किया गया है। पंचायत समिति के कार्यों और शक्तियों की बात करें तो क्या क्या शक्तियां और कार्य हैं यहाँ पर, जैसे कि सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करना और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना, कृषि विकास को प्रोत्साहन करने हेतु कृषि शाखा का विस्तार करना, भूमि सुधार और मुद्रा संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्वयन करना, मछली पालन को प्रोत्साहन करना, पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण क्रियान्वयन एवं नई नस्ल का सुधार करना, खादि एवं ग्रामीण और कुटीर उद्योग के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करना, ग्रामीण आवासन स्कीमों के क्रियान्वयन एवं उधार किस्तों की वसूली करना, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना, भवनों और अध्यापकों को समुचित व्यवस्था करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, सहकारिता आंदोलन के द्वारा लोगों की समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव एवं नियंत्रण करना। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की बात करें, जनवरी 2000 को अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार में वृद्धि की गई है। कुछ मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र पंचायती राज के अधीन कर दिए गए हैं। इन संस्थाओं पर तकनीकी नियंत्रण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का रहेगा, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद का होगा। जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बै श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, लेकिन इन पर तकनीकी नियंत्रण आयुर्वेदिक विभाग का ही रहेगा। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत गैर परंपरागत ऊर्जा गतिविधियां जैसे कि स्ट्रीट लाइट, घरेलू बिजली आदि का क्रियान्वयन इन्हीं संस्थाओं के मार्फत होगा। हेडपंप संचारण यानी हेडपंप संधारण का संपूर्ण कार्य स्टाफ और बजट के साथ पंचायती संस्थाओं को धीरे धीरे सौंपा जाएगा। पशु उप चिकित्सा केंद्र भी इन संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए हैं। ग्राम पंच शिक्षा समिति की बात करें, मछली पालन तालाबों का संचारण और आवंटन का कार्य भी इन्हें सौंपा गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जल ग्रहण विकास के कार्यों में पंचायती राज और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को पंचायती राज संस्थाओं को अधीन कर दिया गया है। राशन की दुकान का आवंटन, वितरण की गई सामग्री का पूर्ण लेखा जोखा, नए राशन कार्ड संस्थाओं की पूर्ण सहभागिता रखी गई है। राशन कार्ड बनाने का अनुमोदन, राशन की दुकान की समावधि बढ़ाने और निरस्त करने के बाबत निर्णय ग्राम पंचायत में चर्चा किए जाएंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए गठित सतर्कता समिति में इन संस्थाओं को जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग के अधीन तालाबों का नियंत्रण एवं रखरखाव, आंगनबाड़ी को भी यहाँ पर पंचायत के अधीन कर दिया गया है। खादी का प्रशासनिक नियंत्रण भी इन्हें दे दिया गया है। पंचायती राज सशक्तिकरण की बात करें, ग्राम विकास के नए आयाम देने और गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व सर्वविदित हैं। इस दिशा में प्रयासरत सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2010 के अवसर पर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षा, कृषि और चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय समय गतिविधियों का स्थानांतरण पंचायती राज संस्थाओं को कर दिया है। पंचायती राज संस्थाएं अब सशक्त होकर उभरे हैं और इस दिशा में सरपंच से लेकर के जिला प्रमुख तक सभी के पहले के मुकाबले अधिक सजग होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से करता होगा। इन विभागों का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करवाने में इन सभी की महती भूमिका होगी। जो अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं उनकी जानकारी देने के लिए एक लघु पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कार्य को अमली जमा पहचानने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और राज्य स्तर पर इस दिशा में आने वाली कठिनाइयाँ और समस्याओं के निराकरण के लिए एक समिति का यहाँ पर गठन भी किया गया है।
राज्य सरकार की यह मंशा है कि भविष्य में या विभागीय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाएंगे सफलतापूर्वक सुपृत्त किए गए 5 विभागों की जिला स्तरीय गतिविधियों के संचालन पंचायती राज संस्थाओं को करना होगा और यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसके निर्वहन की दिशा में संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह के कार्य करने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की धुरी बनकर के आमजन को सुशासन देने हेतु ग्रामीणों को जन समस्याओं को त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें ताकि उन्हें यह एहसास हो जाए कि गांव की समस्या का निराकरण अब गांव से ही संभव है। ग्राम पंचायत के कार्यालय नियमित रूप से खुले हैं और निर्धारित तिथियों पर बैठकों का आयोजन हो और ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याण से जुड़ी यहाँ पर योजनाओं का व्यापक प्रसार प्रसार गाँवों में हो जिससे आम आदमी के विकास का लाभ मिल सके। यह आशा की जाती है कि पंचायती राज संस्थाएं एक नए रूप में जन आकांक्षाओं का केंद्र बनकर के ग्राम स्वराज की परिकल्पना का सपना साकार करेगी। राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं का आरंभ किया गया है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राजस्थान में नवम्बर 1970 में अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनतम परिवारों के है। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता कार्यक्रम का उदाहरण माना जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाते हुए 1978-79 में एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है। ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें, अप्रैल 1999 से ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का एकमात्र कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारका आदि चलाए गए हैं। 1 अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करा करके ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। साथ ही यह भी ध्येय है कि गाँवों में निर्माण कार्य करा करके सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन हो जिससे गाँवों का आर्थिक और सामाजिक आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया है। इसके पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना है। वास्तव में यह जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित व्यवस्थित और व्यापक रूप है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव में रहने वाले गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें, अच्छी जीवनचर्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और सड़कें। लेकिन हमारे देश के योजनाकारों ने गांवों के सड़कों के द्वारा शहरों से नई जोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के 40% गाँवों में उपयुक्त सड़कें नहीं हैं, हजारों गाँवों में पेयजल की समस्या है, लगभग 140 लाख और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी विसंगतियां और कमियां हैं। उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरू की है और ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत यहां पर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था और इस कार्यक्रम की अनुपूर्ति कार्यवाही के रूप में विशेषकर ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह कार्यक्रम वर्ष 2000 से 2001 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव दिवस के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कुछ चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है ताकि सरकार द्वारा घोषित कुछ प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। नरेगा की बात करें हम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। सितंबर 2005 में पारित हुआ नरेगा अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 अभिज्ञात जिलों में 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ किया गया। NREGA को ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटी युक्त अकुशल मजदूर रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है जो कि इसके लिए उत्सुक होंगे। SRGY के चल रहे कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इन सभी जिलों में नरेगा के अंतर्गत मिला दिया गया है और 2007-08 में नरेगा का विस्तार करते हुए इसे 3000 जिलों में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में योजना का क्रियान्वयन 619 जिलों में किया जा रहा है और NREGA एक मांग आधारित स्कीम है जिसका केंद्र बिंदु जल संरक्षण सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार
यानी पानी की और वृक्षारोपण सहित भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, संरक्षण, जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित सभी मौसमों में अच्छी सड़कों हेतु सड़क संबद्धता से संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान देना रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य की बात करें, इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार एक कुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क के सदस्य को कम से कम 100 कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान करने, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऐसे आवासों का निर्माण करना है जो रहने लायक हो। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के द्वारा कुल आवंटित राशि का कम से कम 25% राशि की रेगिस्तान के विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में परियोजना और कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर प्रयोग करेगी, जैसे जल संरक्षण और जल एकत्र करना, पेयजल स्रोतों को पुनः भरना और उनका अस्तित्व बनाए रखना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण जुड़ाव के उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 500 व्यक्तियों और उससे अधिक जनसंख्या वाली 1.60 लाख ग्रामीण बस्तियां जो उस समय तक अच्छी सड़कों से नहीं जुड़ी हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति तक अच्छी सड़कें द्वारा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम की देखरेख सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 3 वर्ष की अवधि के अंदर अच्छी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2001-2002-2003 के लिए प्रत्येक वर्ष PMGSY हेतु 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है और 2004-05 से 2468 करोड़ रुपये, 2005-06 में 4220 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। PMGSY का क्रियान्वयन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पंचायत मुख्यालय और पर्यटनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को सड़क से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए उन स्थानों को जनसंख्या के आधार को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2007 तक 27,382 करोड़ रुपये व्यय से 1,42,750 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर हम बात करें, जैसे नरेगा योजना का प्रारंभ कब हुआ, 2006 में। राजस्थानी पंचायती राज अध्यादेश का परिवर्तन कब हुआ, 2000 में हुआ परिवर्तन। राजस्थान के कार्यकाल की समय सीमा कितने वर्ष देखी गई है, 5 वर्ष है यहाँ पर पंचायत के कार्यकाल की सीमा। पंचायत राज व्यवस्था का मध्यम स्तर कौन सा है, पंचायत समिति है मध्यम स्तर और सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद में जिला परिषद, तो दूसरे नंबर पर आता है पंचायत समिति। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2000 में स्टार्ट की गई थी। ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें एक वर्ष में होनी चाहिए, तो 2 बैठकें यहाँ पर होनी चाहिए। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है, तो 21 वर्ष की आयु में ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। बाकी ये क्वेश्चन हम देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में महिला सशक्तिकरण।